गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है इट इज जेंडर। जेंडर मीन्स लिंग। द टर्म एसोसिएटेड विद द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, ठीक है, या इसको या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बोलेंगे, व्हिच डिस्टिंग्विश, इट इज अ डिस्टिंग्विशिंग वर्ड। डिस्टिंग्विशिंग मीन्स डिफरेंस करना, फर्क दिखाना। डिस्टिंग्विशिंग वर्ड व्हिच डिफरेंस बिटवीन द मास्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, पुलिंग या स्त्रीलिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज देखो, बुक में बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन करके दे रखा है। जेंडर इज ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉक्स में कॉर्नर में देखो, जेंडर इज ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल, ठीक है पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मैन एंड वुमेन। दैट मीन्स इज अ डिस्टिंग्विशिंग वर्ड। डिस्टिंग्विशिंग मीन्स द वर्ड व्हिच कैन डिफरेंशिएट, जो अलग करता है किसको, मेल फ्रॉम फीमेल, ठीक है। या द डिस्टिंक्शन बिटवीन मास्कुलिन एंड फेमिलिन इन अदर वर्ड कॉल्ड एज द जेंडर। तो डेफिनेशन क्या होगा जेंडर का, इट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन हम इसमें देखेंगे। जूनियर क्लासेस में हमने सिर्फ टू टाइप्स ऑफ जेंडर के बारे में पढ़ के आए, टू टाइप्स क्या था, मास्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, ठीक है। इसमें और टू टाइप्स क्या होगा आपका, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज सारा डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट वन आपका है द मास्कुलिन जेंडर। डेफिनेशन देखो, सारा डेफिनेशन थोड़ा दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। फर्स्ट द मास्कुलिन जेंडर क्या है, द जेंडर व्हिच रिप्रेजेंट्स द मास्कुलिन पार्ट, या द क्या मेल, ठीक है। डेफिनेशन या नाउन देखो, हमारे जितने भी जेंडर्स में मास्कुलिन जेंडर हो गया, फेमिनिन हो गया, कॉमन हो गया या न्यूट्रल हो गया, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, संज्ञा, क्योंकि नाउन का डेफिनेशन क्या है ना, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, द थिंग्स व्हिच कैन इमेजिन, ठीक है, जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं, कोई भी चीज़, सपना, ड्रीम्स, उसके सोच सकते हैं, वो एक नाउन है, ठीक है। माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, अमूल हो गया, कुछ भी जो भी है वो नाउन्स में आएगा। लेकिन उसमें क्या है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन को हमने कैटेगराइज किया है, कोई प्रॉपर नाउन है जब तक स्पेसिफिक नाम आ जाए, अमूल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कोई क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे गर्ल बॉयज कॉमन नाउन, ठीक है। मेटेरियल नाउन्स जहाँ से कोई चीज़ बनता है, जैसे तुम्हारा गोल्ड इज मेड फ्रॉम, नेकलेस इज मेड फ्रॉम गोल्ड, ये सारे मेटेरियल्स नाउन आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें तुम्हारा फीलिंग्स है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब। कलेक्टिव नाउन, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स है, ठीक है। तो ये जो जेंडर पार्ट है ये भी एक नाउन वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जेंडर्स को हम कंसिडर करेंगे एज ए नाउन, चाहे तुम्हारा मास्कुलिन हो, फेमिनिन हो, न्यूट्रल हो या कॉमन, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन अबाउट मास्कुलिन जेंडर या पुलिंग, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा, ए नाउन इज सेड टू बी मास्कुलिन जेंडर, एक नाउन को हम मास्कुलिन या पुलिंग बोलेंगे कब, इफ इट रिफर्स टू ए मेल कैरेक्टर, ठीक है। अगर ये जैसे कि तुम्हारे हिंदी में था, ऐसे संज्ञा जो एक पुरुष जाति का बोध करवाता हो, हम उसको पुलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सेम वे में ए नाउन व्हिच रिप्रेजेंट्स ए मेल कैरेक्टर, एक संज्ञा है ये, ठीक है। जेंडर एक संज्ञा है जो एक मेल को या पुरुष जाति का बोध करवाता है, हम उसको बोलेंगे मास्कुलिन जेंडर, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा मास्कुलिन जेंडर मीन्स मैन, लॉयन, बहुत सारे हीरो, किंग, फर्स्ट एक्टर्स, बहुत सारा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, ए बॉय इज प्लेइंग, ठीक है। नाउन कौन सा है, बॉय, ये कौन सा जेंडर में आएगा, मास्कुलिन। मास्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल तनु बताओ कुछ, मास्कुलिन बताओ, बॉय लड़का, ठीक है, राजा, हीरो, एक्टर, प्रोड्यूसर, मास्टर, ये सब कुछ वर्ड्स जो, ठीक है, ये हमारे जो ऐसे वर्ड्स जो मेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, या ऐसे नाउन जो रिप्रेजेंट करेगा द मेल कैरेक्टर, इसको हम बोलेंगे द मास्कुलिन जेंडर। कुछ एग्जांपल्स हो गए। देन हमारी सेकेंड द फेमिनिन या स्त्रीलिंग, ठीक है। तो हिंदी में क्या होगा, ऐसा संज्ञा जो स्त्री जाति का बोध करवाता हो, हम उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, ठीक है। देन ए नाउन व्हिच रिप्रेजेंट्स ए फीमेल कैरेक्टर, ठीक है। डेफिनेशन, ए नाउन इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर इफ इट रिफर्स टू ए फीमेल मेंबर ऑफ ए स्पेसिस,
ठीक है, एक जाति का जब एक स्त्री जाति का बोध करवाता है, जब एक नाउनिया संज्ञा, देन हम इसको फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं या स्त्रीलिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका सेम, गर्ल इज प्लेइंग, ये हो जाएगा गर्ल इज प्लेइंग, ए गर्ल इज प्लेइंग। और मैम एग्जाम्पल इसमें जैसे तुम्हारी लायन वगैरह देखा है, लायन टाइगर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बॉय का हो जाएगा गर्ल, किंग का क्वीन, क्वीन हीरोइन, यू कौन कह रहा है, कोई हीरो का हीरोइन, हीरोइन, एक्टर का एक्ट्रेस, मास्टर का मैम, मास्टर का मैम, ये हो गया तुम्हारी मैम हो जाएगा मैडम, मैडम, लॉयर का लॉयरेस, ठीक है, और टाइगर का टाइग्रेस, टाइग्रेस बाघिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, बस एक्सेलेंस, ये हो गया तुम्हारा फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर इट इज अ नाउन व्हिच रिप्रेजेंट्स द मेल कैरेक्टर ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है, और फेमिनिन जेंडर मींस इट इज अ नाउन व्हिच रिप्रेजेंट्स द फीमेल कैरेक्टर ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है। ये दो हो गया, देन तुम्हारा आता है अबाउट कॉमन जेंडर। कॉमन मींस क्या है, साधारण, जिसको साधारण, कुछ ऐसे नाउन्स होता है जिसमें हमें पता नहीं चलता स्पेसिफिकिटी कि ये फेमिनाइन में जाएगा या मास्कुलिन में जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मींस इसमें बॉयज एंड गर्ल्स, फैमिली, ठीक है, फैमिली भी हो सकता है, चाइल्ड हो गया, इसमें हमारे स्पेसिफिक नहीं है बॉयज है गर्ल्स, टीचर्स, लेडी टीचर है या मेल टीचर है, कुछ स्पेसिफिकिटी नहीं है। तो इस टाइप ऑफ नाउन, इस टाइप ऑफ जेंडर या नाउन्स जिसमें हमें क्लियरली पता नहीं चलता किसके बारे में बताया जा रहा है, मीन्स दोनों में ही आएगा, स्टूडेंट्स, टीचर्स, चिल्ड्रेन, ये सब चीज, ठीक है। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स मीन्स ये नहीं सिर्फ मेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल डॉक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, ए नाउन इज सेड टू बी कॉमन जेंडर इफ इट रिफर्स टू नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच कैन आइदर बी ए मेल और ए फीमेल, हाँ, व्हिच कैन आइदर बी ए मेल, मतलब डेफिनेशन क्या है, व्हिच कैन कोई स्पेसिफिक, जैसे कि तुम्हारा इलेक्शन हो रहा है, कह रहे हैं उसके लिए चार पांच कैंडिडेट खड़े हैं, प्रार्थी जिसको बोलते हैं, है ना, कोई जॉब के लिए सपोज फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें 50 कैंडिडेट का फॉर्म आया है, कैंडिडेट मीन्स में उसमें बॉयज एप्लीकेंट भी है और गर्ल्स भी है दोनों, इलेक्शन के लिए सपोज एक लेडी कंटेस्टेंट खड़ा है, एक मेल कंटेस्टेंट खड़ा है, तो दोनों को हम कैंडिडेट बोलते हैं, प्रार्थी जिसको बोलते हैं, कैंडिडेट्स, कोई भी जैसे हक होना कोई भी पोस्ट के लिए किसी को एम्प्लॉयमेंट करना, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक ये नहीं पता चलता कि वो फीमेल है या फीमेल है, ठीक है। जब हम फॉर्म को लेके चलते हैं उसमें एक रो आता है जेंडर मेल या फीमेल, उसमें टिक लगाना पड़ता है, लेकिन पहले आता है कैंडिडेट्स नेम, ठीक है। जैसे हम अटेंडेंस लेते हैं, हम लिखे थे अटेंडेंट्स नेम, अटेंडेंट्स मतलब प्रेजेंट कैंडिडेट कौन कौन है, उसमें स्पेसिफिक नहीं होता, बॉयज कॉलम गर्ल्स कॉलम अलग है, ठीक है। तो ये कुछ नाउन्स है, देखो चाइल्ड स्पेसिफिक नहीं, इसमें बॉयज गर्ल्स है, स्टूडेंट में भी है, फ्रेंड लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, एप्लीकेंट कैंडिडेट सर्वेंट मेंबर क्या पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट में जो भी लोग मेंबर्स होते हैं, लीडर्स, ये कुछ है जो कि हमारे कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, लीडर्स, नेता, नेता लीडर, तुम्हारे जब हम नेता, नेता लीडर्स में हम महात्मा गांधी को कंसिडर करेंगे, उसके साथ रानी लक्ष्मीबाई को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारी आ जाएगा कॉमन जेंडर में, देन तुम्हारा आता है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। न्यूट्रल क्या है, नाउन इज सेड टू बी न्यूट्रल इफ इट रिफर्स टू अ नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच इज नाइदर अ मेल नॉर ए फीमेल, उसमें आइदर था कॉमन में, ए नाउन इज सेड टू बी कॉमन जेंडर व्हिच रिप्रेजेंट्स या व्हिच आइडेंटिफाइज द जेंडर व्हिच इज आइदर ए मेल नाइदर ए आइदर ए मेल और ए फीमेल, मीन्स हो सकता है आइदर मीन्स पॉजिटिव, हो सकता है एक मेल और फीमेल, लेकिन न्यूट्रल में नाइदर का यूज हुआ है, मीन्स ना मेल है ना फीमेल है, मार्कर, मार्कर इज नॉट मार्कर, मेल और फीमेल नहीं है ना, ये न्यूट्रल में जाएगा, बुक्स न्यूट्रल, बॉटल न्यूट्रल, ठीक है, न्यूटर न्यूटर न्यूटर, ठीक है, नपुंसक नपुंसक लिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हाँ सिर्फ हमारी फीमेल और मेल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से कंप्यूटर हैज ब्रॉट अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर लाइफ, कंप्यूटर है, इट इज, ये तुम्हारा ना फेमिनाइन है मास्कुलिन है, ये न्यूटर में आएगा, देन ट्री, स्टार्स, बुक्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
न्यूटन, तो डेफिनेशन क्या नहीं कॉमन क्या था, आइदर ए मेल और ए फीमेल, जिसमें हम कह रहे थे डॉक्टर्स एप्लीकेंट्स, उसमें स्पेसिफिकिटी नहीं होता ना स्टूडेंट्स, पर स्टूडेंट्स आर कमिंग, स्टूडेंट्स मतलब उसमें सब है जिसमें सब इंक्लूड है, बॉयज और गर्ल्स, आइदर ए बॉय और गर्ल्स हो सकता है, हो सकता है, इट मीन्स कॉमन, और ना लड़का ना लड़की, ठीक है, नाइदर नाइदर, ये आइदर और नाइदर, आइदर और मीन्स पॉजिटिविटी, दोनों में से एक है, इसमें कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, हम ई डबल एस ज्वाइन करके हम इसको मास्कुलिन की फेमिनिन में चेंज कर सकते, जैसे निग्रो निग्रेज हो गया, लॉयन का लॉयनेस, निग्रो मतलब क्या, अफ्रीकन लोग को निग्रोज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखो कुछ है जिसमें वी कैन रिमूव द लास्ट वॉवल एंड एड ई डबल एस, देखिए यहाँ पे डक है, वहाँ पे डचेस है, तो मैम वहाँ पे तो सी एच भी चेंज हुआ है ना के से, तो फिर मैं वही तो कह रहा है कुछ सेंटेंस है जिसमें कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में वही तो बता रहा है, वी कैन रिमूव द लास्ट वॉवल, हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वॉवल को रिमूव करके उसकी जगह पे हम ई डबल एस का यूज करेंगे, इनके सेकंड पॉइंट जो है, जैसे तुम्हारे घर का इंस्ट्रक्टर, इसमें लास्ट वॉवल कौन सा, इंस्ट्रक्टर में देखो ओ है ना, ओ इंस्ट्रक्टर कह रहा है, इसको हम कह सकते थे ना लास्ट वॉवल्स को, है लास्ट वॉवल को रिमूव करेंगे, मींस हम क्या करेंगे यहाँ पे लास्ट वॉवल ओ को रिमूव करके हम करेंगे इंस्ट्रक्टर, मींस क्या है, आई एन एस टी आर यू सी टी आर ई डबल एस, ठीक है। हमने यहाँ पे वॉवल्स को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे हमने ई डबल एस का यूज किया, ठीक है। एग्जाम्पल में एक्टर है तो एक्ट्रेस, कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर देखो टी ओ आर है ना, तो हमने क्या किया, ओ को काट दिया, ठीक है, इसमें जैसे ये काट दिया है, इसको रिमूव कर दिया है, मींस क्या किया ना, इंस्ट्रक्टर लिखा है आई एन एस टी आर यू सी टी, ओ को काट के इसके बाद हमने आर रखा दिया डायरेक्ट, और उसके बाद ई डबल एस, वैसे कंडक्टर सी यू एन डी यू सी टी से भी ओ को काट देंगे, सी ओ एन डी यू सी टी फिर आर आ जाएगा, अब हम लास्ट में चाहे ओ हो ई हो कोई सा वॉवल हो उसको हटा देंगे, हटा के उसके बदले हम ई डब्ल्यू एस, या कुछ एग्जांपल्स उसको देख लेना, और कुछ क्वेश्चंस आएगा थोड़ा आ सकता है बुक की बात, ओके ठीक है। इसमें देखो संस्टर दे रखा है, टेम्प्टर मास्टर एनचेंटर, ये सब हमने वॉवल्स को काट के उसके बदले हमने जो बाउल के बाद जो लेटर था उसको पहले ला के उसमें जस्ट हमने क्या कर दिया, ई डबल एस का यूज कर दिया, ठीक है। उसके बाद और कुछ है जिसमें पूरा डिफरेंट हो जाता है, मास्कुलिन और फेमिनिन में कोई रिलेशन नहीं है, इसमें जैसे कि था हमने ई डबल एस का यूज किया, हाँ इसमें कोई रिलेशन नहीं है, पूरा कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड, बॉय गर्ल बुरका डब बीच हस्बैंड वाइफ मैन वुमन सर मैडम अंकल एंट ब्रदर सिस्टर कक हैन जेंटलमैन लेडी किंग क्वीन मंक, ठीक है, साधु साध्वी मंक साधु मंक और नन मतलब साध्वी साध्वी बोलते हो साध्वी साध्वी वह की मात्रा, ठीक है। फादर मदर ये कुछ है जिसमें दोनों ही जो वर्ड्स है कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसमें कोई हमने वर्ड का एडिशन नहीं किया, कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स को हमने यूज किया। पॉइंट नंबर फोर देखो, वी कैन चेंज द मास्कुलिन पार्ट ऑफ द कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड में करेंगे, जैसे ग्रैंड फादर कंपाउंड वर्ड कब बोलते हैं, जब दो वर्ड्स को ज्वाइंट किया जाए, ठीक है, दो वर्ड जैसे ग्रैंड फादर दो वर्ड है ना, ये कंपाउंड वर्ड में हो गया, ये हो जाएगा ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, सन का मैंने हमने अपोजिट लिखा है सन का डॉटर, ठीक है, लैंड लॉर्ड लैंड लेडी जमींदार जमींदारी जिसको बोलते हैं ठाकुराइन है ना, मिल्क मैन मिल्क मैन, पी कॉक सी ओ सी के कॉक का हो गया है पी है, कंपाउंड वर्ड्स दो वर्ड को ज्वाइन करके बनाया गया, मतलब इसमें मतलब मैस्कुलिन से फेमिनिन, जब दो वर्ड्स आए जब कंपाउंड वर्ड आए टू टाइप्स ऑफ वर्ड मिक्स हो गया है, देखेंगे कौन सी मैस्कुलिन है उसी को चेंज किया जाएगा, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड का तो कोई रिलेशन नहीं है, फादर का चेंज हो सकता है इसलिए हमने ग्रैंड मदर कर दिया, ठीक है। सेल्समैन सेल्समैन, सन इन लॉ हो जाएगा तुम्हारा डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, वॉशरमैन वॉशरवुमैन, मैन सर्वेंट मैन सर्वेंट, स्टेप फादर सौतेली बाप सौतेला बाप, स्टेप मदर सौतेली माँ, ठीक है, ये कुछ है। नेक्स्ट इज सम कॉमन जेंडर नाउंस आर यूज्ड एज मास्कुलिन और फेमिनिन एज फेलोज, देखो देखो बेबी का ही बेबी, बियर भी ही बियर, ठीक है, बियर मीन्स देखो बियर मीन्स हमारे कॉमन जेंडर में, ये सब है जो कॉमन में आता है,
कॉमन मीन्स ना आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। तो बेबी का मास्कुलिन क्या होगा, ही बेबी, फेमिनिन सी बेबी, बियर ही बियर सी बियर, काफ वुल काफ काव काफ, फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ज्यादा ये गॉट एस खुशी निकली है देखो, गॉट ही गॉट सी गॉट, पुलिस पुलिस मैन पुलिस वुमैन, सर्वेंट मैन सर्वेंट मैड सर्वेंट, ठीक है ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग चेंज कर दोगे ना, देखो पहला मैं कर देती हूँ, फर्स्ट माय आंट विजिट्स आवर निस एवरी वीकेंड, इसमें कह रहा है जो भी अलग जेंडर में, अच्छा आंट का क्या हो जाएगा, अंकल अंकल, निस का नेफ्यू 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 नेफ्यू, भतीजा भतीजी, नेफ्यू एवरी वीकेंड, ठीक कर लोगे। नेक्स्ट देखो द लेडी का क्या होगा, द जेंटलमैन, द जेंटलमैन, द जेंटलमैन हैज सेवरल मेयर्स, मेयर मीन्स घोड़ी, उसका जो घोड़ा घोड़ा हॉर्स हॉर्स घोड़ा हॉर्स नहीं होगा हॉर्सेस होगा क्योंकि इसमें एस लगा है हॉर्सेस। द सन इज मोर, नेक्स्ट देखो रटन का देखा है, द सन इज मोर टॉकेटिव देन 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 का फादर, हर का भी तो चेंज होगा, देन हिज, बॉय के लिए हिज भी तो लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, द डॉटर इज मोर टॉकेटिव देन हर मदर, मींस लड़का जो है ना उसकी मम्मी से ज्यादा बात करता है, तो हमने डॉटर के लिए क्या यूज किया, सन यूज किया, द सन इज मोर टॉकेटिव देन हर, नहीं हिज होगा हिज, है ना हिज फादर, लड़का के लिए हम प्रोनाउन हिज का यूज करते हैं। डज एनी एक्टर लाइक टू प्ले द रोल ऑफ द, कोशिश करके हो जाएगा बच्चे ना, ठीक है थैंक यू, कर लेना इसको, और सारे बच्चे कर दिया होगा, व्हाट इज विडो, विधवा, ठीक है ना। तो सुनो ये कोशिश करना, बाकी थोड़ा बहुत रह जाएगा लेकिन सबकी बुक में होना चाहिए, कुछ तुम्हें बुक से मिल जाएंगे, नहीं जो हो पाएगा वो मेरे लिए छोड़ देना, ठीक है, थैंक यू।